हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस कंसेप्ट या जिस ट्रिक की बात करने जा रहे हैं, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आप ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है उसका 20% रटने से बच जाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट को मैं प्यार से ग्रैंडपा बोलूँगा। क्या बोलूँगा? ग्रैंडपा। उसके पीछे लॉजिक है जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि सबसे पहले इसको हम बनाएंगे कैसे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप क्या करो, एल्काइल हैलाइड ले लो, RX। यहाँ पे X क्या है? हेलोजन है। आइदर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, जनरली आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरिन हम नहीं लेते हैं क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप क्या ले लोगे, RX मतलब एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और ड्राई इथर। तो करना क्या है, इस मैग्नीशियम को इसके बीच में इंसर्ट कर देना है। कहाँ पे? आर और एक्स के बीच में, राइट। इस तरह से मैग्नीशियम हाथ फैलाएगा। क्यों? मैग्नीशियम के लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, राइट। एक तरफ उसके आर होगा कोई एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, और एक तरफ एक्स होगा डेट इज हेलोजन होगा। तो देखो वेरी सिंपल है, एल्काइल हैलाइड लिया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को क्या करना है, बीच में इंसर्ट करना है। तो ध्यान से देखो, एक तरफ इसने हाथ फैलाया तो R से एल्काइल ग्रुप से ऐड हो गया, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन से, मतलब मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो गया। यही आपका क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसी का नाम है ग्रैंडपा। तो वेरी इजी है बनाना, राइट। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर करेंगे। तो करना क्या आपको, मैग्नीशियम को कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड के बीच इंसर्ट कर देना है। समझ गए बात? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया, ध्यान से देखो, ये मेरा क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। एक्स क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, एक्स हैलोजन है। यहाँ पे अगर हमने ये लिया तो हमने आपको क्या बोला, क्या करना है, मैग्नीशियम ट्राई इथर है तो कार्बन और हैलोजन वाले बॉन्ड के बीच आपको मैग्नीशियम को इंसर्ट कर देना है। तो बाकी वैसे रह देना, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, इनके बीच मैग्नीशियम को इंसर्ट कर दिया और हैलोजन आपका ये हो गया। वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो ये कार्बन और ये हैलोजन है, इनके बीच इंसर्ट करना है। बाकी चीज़ को वैसे ही रहने दो, तो ये रहने दिया, यहाँ पे ये Mg आ गया और इससे X। कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड के बीच मैग्नीशियम को इंसर्ट कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, सब कुछ वैसे ही रहने दो, यहाँ पे आपका Mg आ जाएगा और इसमें X, क्योंकि ये कार्बन और ये हेलोजन के बीच मैग्नीशियम को इंसर्ट कर देना है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो, बाकी जो चीज़ें जैसी हैं, यहाँ पे क्या करना है, Mg और ये X, जैसे भी दिखा सकते हैं। तो मैंने ये चार एग्जांपल क्यों लिया, ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट डाल सकूं कि भाई ये एलिफैटिक हो, एरोमेटिक हो, कुछ भी हो, सबसे आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा। ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, बेंजीन पे ही हेलोजन लगाओ या बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे लगाओ, कहीं पे भी जिस कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है उसके बीच Mg को इंसर्ट कर देंगे, अगर RX Mg ड्राइथर होगा तो। और ये सब के सब आपके क्या हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में, ग्रैंडपा के बारे में कुछ अच्छी बातें बताइए सर। तो अच्छी बात ये है कि इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी। अब क्यों बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। जब भी आपका मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो, ध्यान दो, मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है तो ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है तो ऑर्गेनोमेटेलिक। तो जब भी, या यहाँ पे देखो, कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है, तो इसलिए जितने भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड को लेंगे, जिसमें मेटल का डायरेक्ट बॉन्डिंग, डायरेक्ट कनेक्शन किससे होना चाहिए, कार्बन से। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों नहीं हुए, कुछ बच्चे कैसे रट लेते हैं कि उसमें मेटल होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए। यहाँ मेटल है, सोडियम, कार्बन भी है, बट सोडियम डायरेक्टली कार्बन से अटैच नहीं है, ऑक्सीजन से, सोडियम एसीटेट में, इसलिए यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। नाउ
बच्चों के माइंड में यह भी आता रहता है कि सर ड्राई ईथर ही क्यों, मॉइस्चर वाला ले लिया तो क्या होगा। देखो ड्राई ईथर इसलिए लेना ना कि उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि अगर आपने ड्राई ईथर नहीं लिया तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल रहा आपको RMGX, इससे एक्चुअली में क्या मिलता है आपको, R- मतलब कार्ब एनायन अपने को मिलता है। क्या मिलता है? कार्ब एनायन। क्योंकि ये कैसे ब्रेक होगा? वेरी सिंपल, ये मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। चूंकि मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, डेट मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से आपको एक्चुअली में क्या मिल रहा है, आर माइनस, जो एक अच्छा बेस भी है, राइट, क्योंकि कार्बन पे माइनस है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर आपने ड्राई ईथर नहीं लिया, मॉइस्चर अगर हुआ तो ये आर माइनस मिल रहा है आपको, और वो वाटर से एच प्लस लेकर के आर माइनस, वाटर से एच प्लस लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको ग्रिग्नार्ड एजेंट मिले तो फिर आपको ड्राई ईथर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉइस्चर थोड़ा सा भी आ गया तो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बना वो एक्चुअली में किस में कन्वर्ट हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन में, आइदर एल्केन एल्कीन जो भी होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो। सेकेंड, और जो दूसरे रीजन है वो ये भी हो सकते हैं कि क्योंकि अगर RX और मॉइस्चर वाटर हुआ तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से ROH अल्कोहल बन सकता है, तो ये भी इस वजह से हम अवॉइड करते हैं। तीसरा, वैसे तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन के थ्रू अगर हीट प्रोड्यूस हो गया और वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट कर गया तो फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आप चाह रहे थे कि मैग्नीशियम आपका इससे रिएक्ट करे जबकि मैग्नीशियम कुछ अमाउंट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, तो इन सब कारणों की वजह से हमें ड्राई ईथर लेना पड़ता है। देखो अब हमने जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाया है तो उसके बारे में एक और पॉइंट ये है कि ये तो RMGX आपको एरो पे लिख सकता है, राइट, तो इससे मिलेगा क्या, तो इससे मिलेगा आपको R- और MgX+, राइट, इधर भी वही लिखा मैंने R- और MgX+, ये ब्रेक होकर के आपको कार्ब एनायन देंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और MgX साथ में रहेंगे उस पर प्लस चार्ज आएगा, राइट, तो ये बैलेंस भी हो गया चार्ज। तो अब जो कार्बन एनायन R- मिला है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर सकता है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, इसलिए वो जल्द से जल्द किसी को लोन पेयर देना चाहेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। और इसीलिए कहीं पे भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर इसको छोड़ दिया आपने तो फिर आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट किसमें, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एसिडिक हाइड्रोजन आप कैसे पहचानेंगे, तो वो सारे हाइड्रोजन जो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच होंगे। फ्लोरीन से अटैच होने मतलब क्या हो गया, जैसे HF से रिएक्शन करा दिए। ऑक्सीजन से अटैच होने मतलब जैसे वाटर से या फिर अल्कोहल से या फिर एसिड से, इन सब में आपका हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच है। या फिर N की बात करें तो NH3 अमोनिया से, राइट, तो वो सारे केस जहाँ पे हाइड्रोजन फोन से अटैच है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से, ऐसे केस में आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R- है वो इसका H लेकर के हाइड्रोकार्बन में चला जाएगा। और वैसा भी केस हो सकता है जहाँ पे आपका हाइड्रोजन sp कार्बन से अटैच हो। अगर आपका हाइड्रोजन sp कार्बन से अटैच है तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उस वजह से भी वहाँ पर आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCN में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, या यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो sp कार्बन पे, ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो पॉइंट क्या हुआ, फोन वाले हाइड्रोजन या sp कार्बन वाले हाइड्रोजन आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट कर करके एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, और इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर सकता है ये, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकता है। तो इसलिए मैंने दो कैटेगरी बनाया था आपको, ताकि आपको एकदम क्लियर रहे कि जो RMGX है वो एज ए बेस काम कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में मैं डिस्कस करता हूँ कि जब वो एज ए बेस काम करेगा तो क्या क्या रिएक्शन होगी, कहाँ पे करेगा वो समझा दिया है। वो सारे हाइड्रोजन जो फोन से अटैच हो या sp कार्बन से, वहाँ पे ये एज ए बेस का काम करेगा, और अगर ये नहीं हुआ तो बाकी सारी जगह पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा।
तो चलिए हम बात करते हैं कि जब ग्रिग्नार्ड एजेंट एज ए बेस काम करेगा तो कैसे रिएक्शन को कराना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कभी भी रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। अगर कभी पॉसिबिलिटी हो कि एक से ज़्यादा रिएक्शन होने के चांसेज है तो सबसे पहले आपको एसिड बेस रिएक्शन कराना है। ये पॉइंट को एकदम ध्यान में रखिए आप कि कहीं पे भी एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है तो ये वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन को आप रोक नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले आपको यही रिएक्शन कराना है। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, RMGX ले लिया ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसको अगर वाटर में H2O से, तो आपको मालूम है वाटर का H प्लस और OH माइनस, तो आपको क्या करना है R के साथ जिसपे माइनस और MgX पे पूरा प्लस है, राइट। तो माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस, सिंपल सा। तो R पे माइनस है तो H2O से आपको H मिलेगा प्लस में, तो RH बन जाएगा, यह हाइड्रोकार्बन, और MgX के साथ कौन आ जाएगा, OH, सिंपल। सिमिलरली HF होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, RH, और MgX के साथ कौन आ जाएगा, F। NH3 होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, RH प्लस MgX के साथ आपका आ जाएगा NH2। तो सब में ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका हाइड्रोजन फोन से अटैच है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए आपको मिल जाएगा RH प्लस MgXOR, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो आपको मिल जाएगा RH प्लस MgXRC डबल बॉन्ड O, इस पर माइनस है तो राइट, तो चार्ज बैलेंस हो गया। ये हाइड्रोजन आपका sp कार्बन से अटैच है तो इसलिए क्या मिल जाएगा, RH प्लस MgX, और ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये हाइड्रोजन आपका sp कार्बन से है तो क्या मिल जाएगा, RH प्लस MgXCN, ये बन जाएगा। बस पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट ईथर से रिएक्ट नहीं करेगा ROR, क्योंकि यहाँ पे ना तो एसिडिक हाइड्रोजन है, और दूसरा रीजन ये है कि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और ग्रिग्नार्ड एजेंट पे कार्बन पे भी माइनस चार्ज लोन पेयर ही है, तो कभी नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, रिपेल हो जाएंगे, इसलिए आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट किससे रिएक्ट नहीं कर सकता, ईथर से नो रिएक्शन। तो ये आपको एक पॉइंट समझाया है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट आपका कब एज ए बेस काम करेगा, वो सारे हाइड्रोजन जो फोन से अटैच हो या sp कार्बन से, वहाँ पे ये एज ए बेस का काम करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन वेरी फास्ट होती है। प्रोडक्ट सब केस में आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप ध्यान से देखो तो सब केस में आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है हाइड्रोकार्बन। इसलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में ये आपका आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि 20% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है उसका 20% आपका मैं इस ट्रिक से क्लियर कर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं जब ग्रिग्नार्ड एजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा भी हेडिंग GR एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई एल्काइल हैलाइड लिया, राइट। RMGX ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो यू नो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट से जो R माइनस मिलता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, इसलिए इससे जो भी रिएक्शन होगी वो वाया SN2 होगी, अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये X हटा करके R ले आना है, तो बाकी जो चीज़ें जैसे हैं यहाँ से X हट जाएगा और यहाँ पर आपका RMGX का R यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ से क्या मिल गया, कोई भी हाइड्रोकार्बन एल्केन, यहाँ पे एल्केन हो गया ये, राइट। तो पॉइंट क्या है कि ये SN2 रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वेट नहीं करेगा कि हैलोजन जाए फिर कार्बोकैटायन बने फिर ये अरेंज हो, यहाँ पे वैसा नहीं होगा, डायरेक्ट बैक साइड अटैक होंगे, SN2 रिएक्शन होगी। उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, फॉर्मल्डिहाइड, और ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया है तो आपको मालूम है R-, ये यहाँ पे जाकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, जस्ट समझाने के लिए O पे माइनस और इस पे प्लस, और ये जस्ट ये बताने के लिए कि ऐसा एक कंडीशन होगा और आपका ये R- यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, ये HCO-R और H आपका रहेगा। नाउ यहाँ तक तो बन जाएगा, अगर उसके बाद आपने अगर वाटर डाला या एसिडिक मीडियम आपने क्रिएट किया H2O, H+ या H3O+, या इसको ऐसे भी दे सकता है H3O+, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दिया, तब जा कर के
इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आपका अटैच हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपको क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया, पहले केस में कार्बन सी डबल बॉन्डों के दोनों साइड हाइड्रोजन लिया, इधर एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड कार्बन लगाया, डेट इज अल्डिहाइड अभी भी है ये, राइट। तो आर माइनस से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे फिर से वही सेम, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सी एच थ्री। ध्यान से देखो, सी एच थ्री जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसका डबल बॉन्ड ओ ब्रेक कर देना है, ऑक्सीजन पे माइनस, इधर आपका ये R आ गया और इधर जो था वो रहने दो, राइट। फिर अगेन एसिडिफाइड कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, सी एच थ्री सी पे ओ एच, इधर H था आपका, इधर ये R ग्रिग्नार रिएजेंट वाला, ध्यान देना। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिला, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे अब हमने क्या किया, इन तीनों में डिफरेंस देखो, सी डबल बॉन्ड के दोनों साइड हाइड्रोजन रखा, एक हाइड्रोजन रखा, एक कार्बन, दोनों साइड आप कार्बन कर दिया, डेट इज कीटोन। तो कीटोन से रिएक्शन होगी, तो होगा तो वैसे ही, तो आपका ये सी एच थ्री, इधर ये कार्बन पे ओ, इधर सी एच थ्री जो उसका था, और आपका ग्रिग्नार रिएजेंट वाला आ रहा है इधर माइनस, फिर से एसिडिफाइड कर दोगे तो ये सी एच थ्री, ये सी, ये सी एच थ्री, इधर ओ पे हेच आ जाएगा और ये आर ग्रिग्नार रिएजेंट वाला। तो यहाँ ध्यान से देखो ये क्या मिल गया आपको, 3 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 5, CO2 प्लस RMGX। बहुत सारे बच्चे को तो हवा ही नहीं लगता है, ये क्या कहना चाह रहा है, तो भाई थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाना है, CO2 को कैसे लिख सकता है, ऐसे तो लिख ही सकता हो ना, यही तो है CO2। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, RMGX, R माइनस, फिर से यही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन इधर की तरफ, तो क्या हुआ, ध्यान से देखो, RC, ये इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो करके O माइनस, इसके पास डबल बॉन्ड O था ही, सिंपल, अपना कंसेप्ट लगाना। उसके बाद एसिडिफाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, RCOH डबल बॉन्ड O, आपको क्या मिल रहा है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही चीज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, राइट। कहीं पे अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बताओ तो RMGX को यूज कर सकते हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल तो कर सकते हो, राइट, या फिर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट या इस ट्रिक से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 20% रिएक्शन को कम्प्लीट कर दूंगा। नाउ यहाँ पे जो अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो बताओ सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तो बता दिया ये SN2 रिएक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि आपका X हट कर करके वहाँ पे R आ गया, तो सब्स्टिट्यूट हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन। इन सब केस में क्या हो रहा है सर, 3, 4, 5 इन सब केस में क्या हो रहा है, तो इन सब केस में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इन सब केस में, डेट मीन्स 2 to 4 जो रिएक्शन है, 2 to 5 जो रिएक्शन आपके, उन सब में आपका क्या हो रहा है, जो आपका पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और उसकी वजह से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के 2 सिग्मा मिल रहे हैं आपको। ध्यान से देखो, किसी एक को मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया सी डबल बॉन्ड वाला, तो कार्बन की भी वैलेंसी हो गई और ऑक्सीजन के पास भी वैलेंसी हो गई, तो एक आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट आर कार्बन से अटैच हो गया और उस ऑक्सीजन से आपका हेच आ करके अटैच हो गया, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के ध्यान से देखो ये 1 सिग्मा बना और एक OH वाला सिग्मा बना, तो 2 सिग्मा। तो चूंकि यहाँ पे कोई चीज बाहर नहीं गई है, सब कुछ आपका क्या हो गया है, मॉलिक्यूल पे चिपक गया है, ऐड हो गया है, इसलिए ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन। और चिपका कौन है सबसे पहले, न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करता है उसकी वजह से रिएक्शन का नाम आता है, चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आपका ऐड हो रहा है, इसलिए नाम इन सब रिएक्शन का क्या रहेगा, 2 to 5 वाले का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन सबको क्या बोलेंगे, एडिशन। और एडिशन में कैसा, तो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, रटना नहीं है बेटा, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने कुछ और रिएक्शन लिया, ध्यान से देखो, अगर आपने RMGX के रिएक्शन साइनाइड से करा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर साइनाइड से कराया तो इसका R माइनस आप क्या क्या करेगा, ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना, राइट, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, इस कारण पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या मिलेगा फर्स्ट केस में, ध्यान से देखो, CH3 इस कारण पे आपका ग्रिग्नार्ड R आ गया,
पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हो गया, दो बॉन्ड बचा, एन पे जो माइनस है उसके साथ कौन आ जाएगा, एम जी एक्स आपका अटैच हो जाएगा, यहाँ तक मिलेगा। अब अगर इसको आपने हाइड्रोलाइज कर दिया H3O+, तो हाइड्रोलिसिस का भी मैट्रिक दे रखा हूँ कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बॉन्ड को ब्रेक कर दो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H। यहाँ पे ये कार्बन कार्बन है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी ये कार्बन कार्बन है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ध्यान से देखो, ये मैंने ब्रेक किया, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो OH और इसको H, दो बॉन्ड ब्रेक किया है, तो फिर से इसको एक और OH और इसको H। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा, इस कार्बन के साथ क्या हुआ, इस कार्बन पे दो OH आपका आ गया, पहले से क्या था CH3 और R, और इसको क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देख सकते हो MgxNH2 हो जाएगा, राइट। तो वो तो बाई प्रोडक्ट है, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं। और यूनो कि एक कार्बन पे दो OH जब भी होंगे तो वो अनस्टेबल होते हैं, वाटर को बाहर करना है, तो इसका पूरा OH लो और इसका H, ये देखो ये वाटर बाहर, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया, ध्यान से देखो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OR, आपको एक कीटोन प्रोडक्ट मिल गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जब भी साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराएंगे तो पहले ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये एडक्ट बनेगा, और हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको कीटोन मिल जाएगा। नाउ एसिड हैलाइड के अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो फिर से वही आर माइनस पहले इस पर एड होगा, राइट। एडिशन होकर करके ये चीज़ें यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आ गई, और फिर ये रिवर्ट बैक होंगे तो आपका हेलोजन बाहर चला जाएगा। तो पहले केस में तो आपको CH3 C डबल बॉन्ड O और वहाँ पे आपका R आ जाएगा, मैंने एक ही साथ कर दिया है ये चीज़ें। इस ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन, क्योंकि पहले ऐड हुआ और फिर ये O माइनस जब रिवर्ट बैक किया तो हेलोजन एलिमिनेट हो गया, तो एडिशन एलिमिनेशन, तो आपका ये कीटोन मिल गया, राइट। अब अगर आपने कम अमाउंट में लिया तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी, लेकिन अगर इसका ज़्यादा अमाउंट हुआ तो ये कीटोन हो गया, फिर से आपका जो बचा हुआ RMGX है उससे क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और आपको क्या मिल जाएंगे, 3° अल्कोहल। तो चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए रिएक्शन को बीच में रोक पाना मुश्किल होता है, तो अगर आप एसिड हैलाइड लोगे तो आपको 3° अल्कोहल ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली अगर आपने एस्टर ले लिया तो भी वही चीज़, ये ग्रुप हेलोजन की जगह आया तो ये बाहर चला जाएगा, तो पहले केस में आपको CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OCH3 बाहर चला गया तो आपका ये R आ जाएगा, और फिर फर्दर आगे फिर से आपको ये 3° अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, चूँकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको यहीं पर रोकना है तो इसके लिए हम बात करते हैं आगे चल करके कि आपको क्या रिएजेंट लेना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर एनहाइड्राइड होगा तो अगेन ये पूरा एक लिविंग ग्रुप है, पहले ये बाहर चला जाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा आपका, इसलिए पहले एलिमिनेट हो गया, राइट। फिर उसके बाद फिर से फर्दर एडिशन होगा, तो इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहे हैं और कुछ ग्रुप एलिमिनेट भी हो रहा है, तो इसलिए एडिशन एलिमिनेशन। और यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट से ऐसा मत कर देना कि ये वाला को बाहर कर देना, ये हाइड्रोजन फोन से अटैच है, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पे आपको RH मिल जाएगा, ये गलती मत करना, इसलिए जानबूझ करके हमने ये लिया, फ्लो फ्लो में सबको निकाल दिया, वैसा मत करना। तो अगर हाइड्रोजन फोन से अटैच है तो एसिड बेस रिएक्शन, अदरवाइज फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और इन सब केस में क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड भी हो रहा है और जो लिविंग ग्रुप है वो एलिमिनेट भी हो रहा है, इसलिए ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एडिशन एलिमिनेशन। देखो सबके पीछे लॉजिक होता बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, चिपक ही गया, बाहर नहीं गया, और दूसरा ग्रुप एलिमिनेट हो गया है, तो इसलिए एडिशन एलिमिनेशन बोलेंगे इसको। तो चलिए अब हम ज्ञान की बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपने CH3COX, राइट, एक्स कोई भी हेलोजन होगा CLBr, उसकी रिएक्शन RMGX से कराया, तो अभी बताया था पहले तो ये एक्स बाहर चला जाएगा और आपको मिलेगा CH3CO और ये R आपका आ जाएगा ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला। लेकिन ये रिएक्शन यही नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये फर्दर आपका जो और मोल्स होंगे RMGX के वो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, CH3C, क्योंकि फिर से ये कीटोन हो गया, इस पर अटैक होगा तो OH, ये R और एक और R आ जाएगा,
तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट अल्कोहल पे जाकर के रिएक्शन रुकेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहीं पे रिएक्शन को रोकना है, कीटोन पे ही रोकना है, तो फिर आपको दूसरा कंपाउंड यूज करना पड़ेगा, R2CD डाई एल्काइल कैडमियम। तो कैसे बनाएंगे उसको, तो वेरी सिंपल, RMGX की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से कर दो, तो क्या होगा, कैडमियम के साथ आपका ये दोनों R आ जाएगा और MGX के साथ ये Cl आ जाएंगे, तो ये आपका R2CD डाई एल्काइल कैडमियम या कैडमियम डाई एल्काइल बन जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, यहाँ भी ये मेटल से ही CD से अटैच है, राइट, आपका एल्काइल ग्रुप कार्बन, तो इससे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, अब कम हो गई। तो अब जब रिएक्शन कराओगे तो सिर्फ ये एक्स बाहर जाएगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो करके रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी बस। तो अगर आपको स्पेशली एसिड हैलाइड या एस्टर या एनहाइड्राइड इन सब से अगर आपको बनाना है कीटोन पे रिएक्शन को रोकनी है, तो आपको ये R2CD लेना पड़ेगा। अगर RMGX ले लिए तो रिएक्शन अल्कोहल पे जाकर के रुकेंगी। इसलिए पहला और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, शब्दों में, कि अगर आपने एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर ये सब लिया RMGX तो अल्कोहल पे रिएक्शन रुकेगी, R2CD लिया तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन पे रुक जाएगी। नाउ थर्ड पॉइंट, वही चीज कि अगर हमने ये इसका नाम जानते हो ना फॉस्जीन, राइट, तो ये लोगे तो पहले क्या होगा, ध्यान से देखो, R माइनस आपका जब इस पे अटैक करेगा तो एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू पहले ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो मैं स्टेप वाइज में बता रहा हूँ, तो CO Cl और इधर R आ जाएगा, फिर से आपका RMGX जब अटैक करेगा इस कार्बन पे तो फिर से ये बार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCOR, और फिर से आपका RMGX इस पे अटैक करेगा तब जाकर के आपको मिल जाएगा RCOHR, 3 डिग्री अल्कोहल आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी रिएक्शन के लिए, कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितने मोल्स ग्रिग्नार्ड एजेंट चाहिए, तो ध्यान से देखो 1, 2, 3, तो 3 मोल्स ग्रिग्नार्ड एजेंट चाहिए। इसलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है कि आपको एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दे देगा डराने के लिए, ऑर्गेनिक का दूसरा नाम क्या है, डरावना स्ट्रक्चर, राइट, जो सपनों में आपके आएगा, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि रफी सर आपके साथ हैं। तो अगर सपोज करो कि इस टाइप का कुछ आपको दे दिया कंपाउंड और पूछा कि कितने मोल्स GR यूज होंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो दैट्स वेरी सिंपल, कैसे करना है ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन आपका फोन से अटैच है तो 1 मोल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, ये हाइड्रोजन सल्फर एसिडिक हाइड्रोजन हो गया तो 1 मोल यहाँ यूज होंगे, राइट, उसके बाद ये ईथर है, राइट, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। नाउ अब ध्यान से देखो, यहाँ पे Cl सब्स्टिट्यूशन होगा, इसलिए मैंने सबको एक एक करके बताया है, तो यहाँ पे भी 1 मोल रिक्वायर्ड होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, यहाँ पे 0 मोल क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं होगी। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो गया आपका एस्टर है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये बाहर जाएगा, राइट, एलिमिनेशन, तो 1 मोल उसके जैसे, और फिर उसके बाद सी डबल बॉन्डों पे अटैक होगा, तो यहाँ पे 2 मोल्स, फॉर एग्जांपल एसिड हैलाइड वाला आप देख सकते हो, तो कैसे होगा ध्यान से देखो, यहाँ भी एसिड हैलाइड है तो पहले ये Cl बाहर जाएगा तो 1 RMGX, और फिर जब ये कीटोन बन गया तो फिर से उस पर अटैक होगा तो 2, तो यहाँ पे भी 2 रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे भी 2, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो CH3COX है, पहले RMGX से आपका ये कीटोन बना, फिर दूसरे RMGX से आपका अल्कोहल बनेगा। तो फॉर कंप्लीट रिएक्शन कितने मोल्स GR यूज हुए, तो ध्यान से देखो 2 और 2, 4 और 1, 5 और 6, और यहाँ पे 1, 7, इधर तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक लास्ट डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस टाइप से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आपकी थिंकिंग ऑलवेज हाई होनी चाहिए, कि यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये RX और MG ड्राइथर है, तो आपको बता रखा हूँ क्या होगा, कि ये कार्बन और हैलोजन के बीच MG इंसर्ट हो जाएगा, तो मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ MG और X, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट केस में आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट बन गया, आपको मालूम इससे क्या मिलता है, कार्बेनायन, राइट, और ये कार्बेनायन मिला यहाँ पे हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहीं से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, राइट, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिकुलर, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन।
तो इस टाइप का भी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं हर तरह के कंसेप्ट से आपको टच कर रहा हूँ कि कैसे करना है। ये थोड़ा सा हाई लेवल की थिंकिंग है। पहले आपका एम जी ड्राई था, आर एक्स था, तो ग्रिगनार्ड एजेंट बनाया, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर करके अपने ही मॉलिक्यूल में दूसरे पे अटैक कर करके आपका ये प्रोडक्ट बना देगा। तो आई होप मेरा ये ग्रैंडपा वाला कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो 20% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है उसका 20% आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है। और इस कंसेप्ट से हर साल क्वेश्चन मेंस हो या नीट का एग्जाम हो, होगा ही और रहता ही है। हेलो बच्चों, कैसे हो? तुम्हारी केमिस्ट्री की नौका होगी पार, रफ़ी सर पे कर लो एतवार। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि आज मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे आप 100 रिएक्शन को रटने से बच जाएंगे, राइट? एक कंसेप्ट या एक ट्रिक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 12th की चैप्टर है, राइट? एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइंस, ये चारों चैप्टर में ये आपको रिएक्शन मिलेंगी, और उन चारों को मैंने क्या किया, क्लब किया हुआ है कि बस ये आपको ध्यान रखना है, इससे आप 100 रिएक्शन को रटने से बच जाएंगे। तो अपना मोटो पहले क्लियर है, हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? तो इलेक्ट्रोफाइल को प्यार से मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर है ये, राइट? और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लवर है इलेक्ट्रोफाइल, तो इस पर खुद कौन सा चार्ज होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव, राइट? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर, राइट? तो जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, डेट मीन्स नेगेटिव चार्ज से प्यार करेगा, तो डेफिनेटली उस पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रिपेल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल का दूसरा हम प्यार से क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है ये आपका, इलेक्ट्रॉन पुअर पर्सन है, इस पे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको ऑलरेडी मैं रेजोनेंस में बता रखा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस एम ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या माइनस एम ग्रुप को कैसे पहचानेंगे। तो उसको फिर से हमने यहाँ पे रिकनेक्ट किया है कि बेंजीन रिंग पे कोई एलिमेंट है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई एलिमेंट अटैच है और उसके पास लोन पेयर है, तो वो प्लस एम शो करेगा। प्लस एम शो करने की वजह से क्या होगा, तो ध्यान से देखो, उसकी वजह से आपका कहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और कहाँ पे पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और कहाँ पे फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, राइट? तो उसी चीज़ को हमने दिखाया है कि जिस कार्बन पे एलिमेंट आपका लगा हुआ, अगर उस कार्बन को वन बोलूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बेंजीन रिंग में 2 और 6 जो पोजिशन है, this one and this one, ये एक ऑर्थो पोजिशन कहलाती है, राइट? जो फोर्थ पोजीशन जो ग्रुप के एग्जैक्टली अपोजिट हैं उसको पैरा पोजीशन बोलते हैं, और जो ये 3, 5 है उसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि कभी भी प्लस एम ग्रुप है अगर बेंजीन रिंग पे लगा हुआ, तो वो निगेटिव चार्ज कहाँ पे लेके आ रहा है, ऑर्थो पे या पैरा पे, डैट मीन्स 2, 6 पे या 4 पे, राइट? 2, 4, 6 पे लेके आ रहा है, इवन नंबर 2, 4, 6, ओके? नाउ अगर माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो ध्यान से देखो, उसके लिए क्या ट्रिक बताया था कि बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप अटैच है और वो ग्रुप के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, आउट ऑफ द रिंग होगा। उसकी वजह से ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इस केस में ऑर्थो पोजिशन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर से ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है। तो आप खुद ही सोचो क्यों, क्योंकि आप में सोचने की क्षमता है कि अगर ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है तो क्या इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, रिपेल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, तो मेटा पोजिशन पे आएगा, कहाँ पे आएगा, मेटा पोजिशन। इसलिए वी कैन से माइनस एम ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर
मेटा डायरेक्टिंग फॉर व्हाट इलेक्ट्रोफाइल एंड सिमिलरली वी कैन से प्लस एम ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर व्हाट इलेक्ट्रोफाइल। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे एक कंसेप्ट और 100 रिएक्शन की बात मैं कर रहा था। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट किया है कि आपको जब भी प्लस एम ग्रुप मिले, राइट, डैट मीन्स प्लस एम ग्रुप कैसे अभी बताया था कि बेंजीन रिंग पे कोई एलिमेंट डायरेक्टली अटैच है, उसके पास लोन पेयर है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप है तो वो भी हाइपर कंजुगेशन की वजह से एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, राइट। तो ये सब कहाँ पर लाएंगे, ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे या फिर पैरा पोजीशन पे लेकर के आएंगे, राइट। आइदर ऑर्थो या पैरा पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको ये सारी रिएक्शन में पहचानना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को पहचान लेना है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया, एक बार इलेक्ट्रोफाइल आपको पहचान में आ गया तो ऑर्थो और पैरा पे अटैच कर देंगे। तो देखो ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे कहीं पर भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी एक्स टू इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एफ ई डार्क आ जाए लिख करके, एक्स टू इन प्रेजेंस ऑफ आयरन डार्क ऐसे, या एक्स टू इन प्रेजेंस ऑफ एफ ई सी एल थ्री एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है, सूखा हुआ, राइट। तो कहने का मतलब है कि आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आइदर डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाए, ध्यान से देखो एफ ई डी ब्लॉक का है, या डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड आ जाए जैसे एफ ई सी एल थ्री, या फिर 13 ग्रुप डेट इज बोरॉन एल्युमिनियम वो वाले ग्रुप के अगर एलिमेंट आ जाए या उसका कंपाउंड आ जाए तो उन सब केस में क्या करेगा, वो हेलोजन को खींच लेगा अपनी तरफ और आपको क्या जनरेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान से देखो यहाँ पे X2 का मतलब क्या, आइदर क्लोरीन लो, तो क्लोरीन में सी एल सी एल बॉन्ड है, एक क्लोरीन आयरन लेके जाएगा और एक क्लोरीन पे क्या जाएगा प्लस, तो आपको क्या मिल जाएंगे, आइदर सी एल प्लस मिल जाएंगे या फिर बी आर प्लस मिल जाएंगे। फ्लोरीन चूंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए ये रिएक्शन नहीं कराते हैं, और आयोडीन वाली जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है इसलिए उसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या HIO4 यूज करना पड़ेगा तब जाकर के बनेगा, इसलिए ये रिएक्शन जनरली हम क्लोरीन या ब्रोमीन के केस में कराते हैं। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, हेलोजन ऐड हो रहा है तो हेलोजिनेशन। कहाँ कहाँ पे आएंगे, तो आपको मालूम है कि जब प्लस क्रिएट हो गया तो कहाँ पे आएगा, एक बार ऑर्थो पे आ जाएगा आपका, राइट। तो ये जो भी एलिमेंट है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे आ जाएगा, और एक बार किस पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे, राइट। यहाँ पे मेजर कौन होंगे, तो ये वाले, क्यों, क्योंकि जो ग्रुप है वो दूर दूर होंगे, रिपल्सन कम होगा तो ये मेजर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा आपका, माइनर होगा, समझ गए। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हमको ये सारी रिएक्शन में लगा देना है, कहीं पे भी एल्काइल हैलाइड आ जाए RX लाइक CH3X CH3CH2X को भी एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखो फिर से क्या गया, 13 ग्रुप के एलिमेंट के कंपाउंड AlCl3 अगेन एनहाइड्रस होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, या फिर डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट आ जाए या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड आ जाए लाइक ZnCl2 या FeCl3 इस टाइप से जो भी होगा तो क्या करेगा, ये हेलोजन को आपका बाहर कर लेगा X, और आपको क्या मिलेंगे, R प्लस डेट इज कार्बोकैटायन मिल जाएगा आपको। और चूंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे इसलिए इसको बोलेंगे एल्काइलेशन, इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन। और जो साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था फ्राइडल क्राफ्ट, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो नेम रिएक्शन भी आपको याद होते जा रहा है, क्या करना है, आर को वैसे ही ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ देना, राइट। तो ये जो भी एलिमेंट होंगे इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे आर आ जाएगा एंड पैरा पोजिशन पे आपका आर आ जाएगा, अगेन मेजर ये वाले रहेंगे, राइट। और ये एलिमेंट कौन कौन हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन OH अल्कोहल ईथर OR कोई भी अल्काइल ग्रुप, ये सब के सब एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, राइट। सिमिलरली तीसरा पॉइंट देखो, तो मैंने क्या लिया है, असाइल ग्रुप लिया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Z लिखा है, Z की जगह X आ जाए तो एसिड क्लोराइड हो गया असाइल ग्रुप, OR आ जाए तो आपका एस्टर आ गया, OCOR आ जाए तो एनहाइड्राइड हो गया। तो इस टाइप का कोई भी रहे तो अगेन आपका 13 ग्रुप वाला एलिमेंट, जहाँ भी आपको 13 ग्रुप वाला एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट देखे तो वो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काम करता है, और अगेन वो क्या करेगा, यहाँ पे जेड को खींच लेगा, जेड को खींच लेगा तो बचा क्या आपके पास, RCO+ एसाइल ग्रुप आपका बच गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन पे प्लस है, तो अगेन क्या होगा, तो सेम वही प्रोसीजर आपको अपनाना है, राइट। यहाँ पे आपका एलिमेंट यहाँ पे सी पे प्लस है इसलिए सी कार्बन से अटैच होगा,
और यहाँ पे R, तो एक ये ग्रुप मिलेंगे और एक और क्या मिलेगा आपको, तो ये एलिमेंट जो भी होंगे और पैरा पे सी डबल बॉन्ड ओ R आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, असाइलेशन, इसको क्या बोलेंगे, असाइल ग्रुप आ गया, इतने पार्ट को असाइल बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। अगेन ये मेजर होंगे और ये आपका माइनर होगा। तो ध्यान से देखो, मैं एक भी रिएक्शन को रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट वेरी सिंपल है, डी ब्लॉक का एलिमेंट दिख जाए या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड दिख जाए, 13 ग्रुप का एलिमेंट दिख जाए या 13 ग्रुप के एलिमेंट के कंपाउंड दिख जाए एनहाइड्रस फॉर्म में, तो वो हैलोजन को क्या करेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ध्यान से देखो, हैलोजन या जो भी लिविंग ग्रुप होंगे उसको खींच लेगा और आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे देगा। इसलिए ये सब FeCl3 या AlCl3 ये सब क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है, दैट इज़ वेरी सिंपल, एक होता है नाइट्रेशन। अगर बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप लाना है तो नाइट्रेशन, तो इसमें ये नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मोर एसिड है तो इससे H+ मिलता है जो नाइट्रिक एसिड के OH को वाटर के फॉर्म में बाहर कर देगा और क्या जनरेट करेगा, NO2+, राइट। तो यहाँ पे ये एसिड का काम कर रहा है एक तरह से, और यहाँ पे है तो ये एसिड लेकिन एक तरीके से बेस का काम कर रहा है, क्योंकि इसका H+ इसके OH नाइट्रिक एसिड में जो OH है उस पर अटैक करके वाटर को बाहर कर रहा है और NO2+ आपको क्रिएट हो गया, डेट इज इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो आपको मालूम ही है फिर क्या करना है, तो फिर आपको मालूम ही है कि हमें क्या करना है, एक बार NO2 ऑर्थो पे लगा देना है और एक बार NO2 आपको पैरा पे लगा देना, तो ये हो गया नाइट्रेशन। वैसे ही अगर सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो आपको SO3H+ मिलेगा, राइट, दो मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर निकाल देंगे तो ये मिलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो अगेन आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार है। क्या करना है आपको, ऑर्थो पे SO3H एंड पैरा पोजीशन पे SO3H, अगेन मेजर ये आपका रहेगा, राइट। अब यहाँ पे माइनर मेजर डिपेंड करेगा, अगर फिनॉल है, फिनॉल के केस में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो उस केस में ऑर्थो मेजर हो जाएंगे, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर है, फोन, जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहीं पे ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज हर केस में पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ओके। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका फिनॉल वाला है, तो वहाँ पे ऑर्थो मेजर हो जाएगा इस केस में, अदरवाइज ऑलवेज पैरा मेजर रहेंगे। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या होगा, राइट, तो ये आपको मालूम है कि ये कौन से ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा, तो आप खुद ही सोच लो कि इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है, राइट, तो पॉजिटिव के पास पॉजिटिव तो आएगा नहीं क्योंकि सारा हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो रिपेल हो जाएंगे, तो कहाँ पे आएगा वो, ऑलवेज मेटा पोजिशन पे। तो इसमें हर केस में आपको क्या कर देना है, जो भी X डबल बॉन्ड Y लगा उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लेके आना है, जो भी होगा, अगर X होगा तो X लेके आएंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो लेकर के आपको आ जाना है, राइट। तो इस केस में आपका R यहाँ पे आ जाएगा, इस केस में आपका C डबल बॉन्ड OR सब मेटा पोजीशन पे आ जाएंगे क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग होंगे, इस कंडीशन में आपका NO2 मेटा पोजीशन पे आ जाएगा और इस कंडीशन में आपका SO3H मेटा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गए, ये ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग हो गए, जिसमें ऑलवेज पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहीं पे ऑर्थो मेजर होगा, अदरवाइज ऑलवेज पैरा मेजर होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जस्ट एक रिकैप करा रहा हूँ कि इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन है, इसलिए मैंने लिखा है 1 concept 100 रिएक्शन, इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन है उसमें सबसे पहला काम है आपका इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना, इलेक्ट्रोफाइल पहचान गए, अगर प्लस एम ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पे लगाना है, माइनस एम ग्रुप है तो मेटा पे लगाना है, ऑर्थो पैरा में मेजर कौन, तो पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ऑर्थो माइनर होगा, कब ऑर्थो मेजर होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कैसे पता लगेगा, अगर हाइड्रोजन फोन से अटैच है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच है, तो नाउ कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो सबके लिए जो कैटलिस्ट है आपका वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर 13 ग्रुप का एलिमेंट है या उसके कंपाउंड है, और
इलेक्ट्रोफाइल एक बार पहचान गए तो आपका प्रोडक्ट भी क्लियर हो चुका है। नाउ अब जाते जाते ज्ञान की बात, तो ज्ञान की बात में यह है कि अगर फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराओगे, ध्यान दो, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, बहुत कम अमाउंट में, तो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। दैट मीन्स एक आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल एनओ टू प्लस, तो एक ऑर्थो पे आ जाएंगे एनओ टू और एक पैरा पोजिशन पे आपका आ जाएगा एनओ टू। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिकुलर होगा और यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर होगा, यहाँ पे इंटर और यहाँ पे इंट्रा, तो इसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट भी हो जाएंगे ऑर्थो वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। और इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटर हो रहे हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो ये इजीली सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो गया, तो इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट क्या है कि अगर फिनॉल होंगे डायलूट नाइट्रिक एसिड है तो एक एक ही एनओ टू लाना है एट ए टाइम, और अगर वही चीज़ को कंसंट्रेटेड अगर उसने कर दिया, डैट मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऐसे केस में आपका NO2 हर एक पोजीशन पर आ जाएगा, डैट मीन्स ऑर्थो पे भी आ जाएगा, पैरा पे भी आ जाएगा एंड ऑर्थो पे भी आ जाएगा। बाय द वे इस प्रोडक्ट का यील्ड बहुत कम होता है बट ये आ जाएंगे, और इसका एक स्पेशल नेम है, कॉमन नेम, डैट इज पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो इस टाइप से तो नहीं बनाते, बनाते कैसे हैं, पहले इसको H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है आपका H2SO4 से रिएक्शन कराने की वजह से यहाँ यहाँ पे आपका सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको HNO3 से कराते हैं तब जा करके ये, तो यहाँ से यील्ड अच्छा होता है और यहाँ से यील्ड अच्छा नहीं होता है। तो ये ज्ञान की बात में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर टू कि अगेन फिनॉल की रिएक्शन अगर आपने Br2 से कराया इन प्रेजेंस ऑफ CH2, CH2 मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से CO2 का बड़ा भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कहने का मतलब यहाँ पे CH2 नहीं याद रखना है, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वैसे सॉल्वेंट जिसमें पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो फिर अगेन मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। आपको जो इस केस में प्रोडक्ट बनाना है वो एट ए टाइम एक ही सब्स्टिट्यूशन करना है, तो एक Br यहाँ पे आ जाएगा और एक Br आपका यहाँ पे आ जाएगा, और अगेन ये मेजर प्रोडक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि बिगर ग्रुप एंटी पोजिशन पे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये होगा। लेकिन अगर वही चीज़ पोलर सॉल्वेंट अगर आप ले लिए होते, अगर पोलर सॉल्वेंट अगर आपने ले लिया होता तो फिर सब्स्टिट्यूशन हर एक जगह पे हो जाता, डैट मीन्स ऑर्थो पे भी आ जाता, पैरा पे भी आ जाता और ऑर्थो पे भी आ जाता, डैट मीन्स 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आपको मिल जाता। तो ध्यान दें कि चेंजेज क्या है, फिनॉल ही है, Br2 ये, बस सॉल्वेंट का फर्क है, नॉन पोलर लेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, पोलर ले लोगे तो फिर हर जगह पे आ जाएंगे, जितने भी ऑर्थो पैरा पोजिशन है सब पे आ जाएंगे। पॉइंट नंबर थ्री, अगेन NH2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NH2 डैट मीन्स एनिलीन की अगर रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो नाइट्रेशन तो होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये जो इसका जो H प्लस है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर से रिएक्ट कर जाएगा, राइट, और एक्चुअल में ये फिर वैसा नहीं रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक्चुअल में उस केस में NH3 प्लस में, और ये एक क्या हो गया, माइनस आई ग्रुप। तो इसीलिए इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो आपका NH2 ऑर्थो पे एक नाइट्रो होगा, राइट, NH2 पैरा पे नाइट्रो होगा, ये आपका जो कंसेप्चुअल थिंग है उससे ये मेजर होंगे, ये माइनर होंगे। लेकिन एक और प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यही है कि एक और प्रोडक्ट मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्यों मिला सर, अभी तो आपने बोला ऑर्थो पैरा पे, ये इसलिए मिला क्योंकि ये भी बन चुका है, और माइनस आई डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो उसके वजह से ग्रुप कहाँ पे आएंगे, मेटा पोजिशन पे। तो ये जो एक पॉइंट है कि ये 51% आपको मिलता है और ये 47%, डैट मीन्स ऑर्थो से बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपने एक ऐसा
मीडियम क्रिएट कर दिया जो नाइट्रोजन के लोन पेयर से रिएक्ट कर सकता है, तो फिर इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस वजह से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोडक्ट उससे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आएगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। पैरा तो मेजर है 51%, लेकिन मेटा जो नहीं बनना चाहिए था वो बन गया और 47%, जो कि ऑलमोस्ट पैरा के बराबर है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब अगर कोई चाहता है कि सर तो फिर हमें सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही बनाना है तो मैं क्या करूं, या फिर मुझे पैरा मेजर बनाना है तो क्या करो, इसकी रिएक्टिविटी को कम करो वाया रिएक्टिंग विथ अनदर कंपाउंड। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आपका क्या करेगा, इस पर अटैक करके इसको क्या कर देगा, बाहर। तो इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में आपका नाइट्रोजन के साथ ये अटैच हो गया, इससे अब नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी जा सकता है, जिससे अब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब अगर इस पर आप नाइट्रेशन कराओ HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब आपको ऑर्थो एंड पैरा मिलेंगे, जिसमें से मेजर कौन होगा, आपका मेजर अगेन आपका पैरा वाला होगा, राइट। और इसको फिर हटाना है तो क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस H3O+, तो ये बाहर चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे NH2, तो हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो फिर से, मतलब इनडायरेक्ट वे में हम बना सकते हैं, डायरेक्टली करोगे तो ये प्रॉब्लम होगी, इनडायरेक्ट वे में तो आप ऐसे बना सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। और इसको मैं प्यार से बोलूँगा संकट मोचन, क्यों, उसके पीछे लॉजिक है बेटा। देखो संकट मोचन क्यों बोल रहा हूँ, उससे पहले आप समझो कि आपको करना क्या है। आपको ऑलवेज 1 डिग्री एमिन लेना है, कौन सा 1 डिग्री, क्योंकि हमें नंबर 1 ला करके दिखाना है, राइट, क्या ऑल इंडिया रैंक, तो 1 डिग्री एमीन लेना हमें। 1 डिग्री एमीन की पहचान आप कैसे करेंगे, तो अमाइन के केस में ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है। नाइट्रोजन अगर एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, एक ही कार्बन से उसका कनेक्शन है, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री, जबकि अदर फंक्शनल ग्रुप में डिग्री दूसरे तरीके से डिफाइंड होती है, जैसे अल्कोहल के केस में या हैलोजन के केस में, कि वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वहाँ पे अलग तरीके से होती है। बट नाइट्रोजन के केस में डिग्री वेरी सिंपल है कि नाइट्रोजन का कनेक्शन कितने कार्बन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस नाइट्रोजन का कनेक्शन सिर्फ एक ही कार्बन से, इस वाले से, क्योंकि यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो इस नाइट्रोजन का कनेक्शन सिर्फ इधर वाले कार्बन से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री आपको अमाइंस लेना है, और उसकी रिएक्शन किससे कराना है आपको, डैट इज़ वेरी सिंपल, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जरूरी नहीं है कि ये रिएजेंट आपको दे, मैन थिंग इज कि HNO2 बनना चाहिए या HNO2 होना चाहिए, नाइट्रस एसिड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसकी रिएक्शन से नाइट्रस एसिड आ जाएगा, राइट। तो आपको रिएजेंट ऐसे भी दे सकता है NaNO2HCl, या सिर्फ HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ऐसे दे दे, या फिर HNO2HCl इस टाइप से कुछ भी दे दे, मेन पॉइंट इज की नाइट्रस एसिड आना चाहिए। नाइट्रस एसिड मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, नाइट्रस एसिड एंड 1 डिग्री अमाइंस, ये दोनों जैसे ही मिले तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा डैश, जिसका नाम है संकट मोचन। क्या है, संकट मोचन, डैट मीन्स डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस अदर प्रोडक्ट में NaCl और वाटर आपको मिल जाएंगे। तो इसको संकट मोचन क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है जो आपको पता लगेगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा ये है कि ये एक कलरलेस सॉलिड है, राइट, और वाटर सॉल्युबल है, वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाएंगे क्योंकि सॉल्ट है, एंड अनस्टेबल है। ध्यान से देखो जो टेम्परेचर की बात की है कि ये चीज़ें आपको कब मिलेंगी, जब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डेट मीन्स 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, क्योंकि थोड़ा सा भी हीट करोगे तो ये जो NN है, राइट, N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे, और यू नो नाइट्रोजन वेरी वेरी स्टेबल गैस है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर को लो रखना है, तभी ये जाकर के ये बनेंगे। सिमिलरली अगर ये जो मैंने लिया है, ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक वाला कंपाउंड लिया है, तो एरोमेटिक में भी चलेगा 1 डिग्री में, और एलिफैटिक अगर हो तो उसमें भी
ये चीज़ें वैल्यूड हैं। डैट मीन्स वन डिग्री अमीन चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, ओनली थिंग इज कि वन डिग्री अमाइन होना चाहिए। उसकी रिएक्शन अगेन आप NNO2 और HCl से कराओगे तो अगेन आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा एंड NaCl वाटर बाई प्रोडक्ट होंगे। तो हमें करना क्या है वो चीज़ क्लियर हो चुका है कि कहीं पे भी वन डिग्री अमाइन आपको दिख गया इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड आपको क्या कर देना है, डायरेक्टली डाइजोनियम सॉल्ट बना देना है, वो बना करके रख लेना है। अब इसको हम यूज करेंगे जंग में, कैसे तो वो देखो। तो देखिए मैंने क्यों इसका नाम संकट मोचन रखा है, ध्यान से देखो कि इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। PHN2+ X- ऐसे दिखा सकता है, AR मतलब अराइल ग्रुप को, आर्गन नहीं है ये, अराइल ग्रुप डेट इज बेंजीन एक्चुअली, N2+ X- C6H5N2+ X- इस टाइप से दे सकता है। इन सब का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है, ये आपका स्ट्रक्चर है। डैट मीन्स ये सब का मतलब बेंजीन रिंग है और N2+ नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बना लिया, औकात जितना था उतना बना लिया, इसलिए इस पर प्लस, तो उस प्लस के साथ ये X- आपका अटैच है। तो देखो जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन का फंडा या कंसेप्ट या ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, ये जो NN है ये वाले N2 को बाहर कर देना। आप ही सोचो अगर ये N2 गैस के फॉर्म में बाहर चला गया तो N2 गैस वेरी स्टेबल है, राइट, यू नो कि एटमॉस्फेयर में 78% तो यही है। तो N2 बाहर चला गया, तो अब ध्यान से देखो N2 कैसे बाहर गया, ये वाले बॉन्ड को ले करके गया वो, तो ये कार्बन पे यहाँ पे क्या आ चुका है, प्लस, यहाँ पे क्या आ चुका है, सिंपल सी बात, प्लस। जस्ट एज्यूम करना है, ध्यान दो, जब ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। तो अब आपका काम क्या है कि जो भी रिएजेंट लिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे रिएजेंट ले रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि इतना ही है, कुछ भी हो आपको बस उसमें क्या देखना है कि अगर इस पे प्लस आ गया तो इसका निगेटिव पार्ट को आपको सर्च करना है। जैसे इस केस में निगेटिव पार्ट आपको क्या मिलने वाला है, Cu2X2 में X- मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, Cn- निगेटिव पार्ट। यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, X- निगेटिव पार्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा, I- निगेटिव पार्ट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, H+ BF4 पे माइनस, राइट, क्योंकि H पे प्लस होगा BF4 पे माइनस, ये मिल गया। यहाँ पे आपको बाय द वे बताऊंगा, यहाँ से हाइड्रोजन हमें मिलेगा एक तरीके से H-VCN से, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, वाटर में H+ और OH-। तो मेरी बात को समझ रहे हो कि आपने क्या किया, निगेटिव वाले सारे को आइडेंटिफाई कर लिया, जो भी रिएजेंट गिवन है निगेटिव वाले को आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि आपका पॉजिटिव ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, किससे, डाइजोनियम से। आप खुद ही सोचो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट मैं एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये एक्स, तो क्या बन गया, ये हेलो बेंजीन बन गया, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ PHCN, बेंजीन पे CN आ जाएगा। यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, PHX। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, PHI, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, PHBF4, राइट। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, PH पे H आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, डैट मीन्स आपका बेंजीन बनकर के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PHOH, डैट मीन्स फिनॉल। ये PH समझ रहे हो, ये सब बेंजीन है जो मैंने यहाँ बना रखा है, राइट, सब बेंजीन है। तो फंडा समझ में आया, देखो बहुत सिंपल है, एक कंसेप्ट है और ऐसे आप 100 रिएक्शन याद रख सकते हो बिना किसी एफर्ट के, सिंपल, कि डाइजोनियम जहाँ भी दिखेगा N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, बेंजीन वाले कारण पे प्लस आएगा, जस्ट एज्यूम करना है, और वो अगर प्लस है तो हमें जो भी रीजन गिवन उसमें माइनस सर्च करना और उस माइनस को वहाँ पे अटैच कर देना, वही काम हमने किया, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है सर, तो डैट्स वेरी इजी, और ध्यान से देखो, अगर आपने कॉपर +1 वाला उठाया, ध्यान से देखो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, अगर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और उससे हैलोजन लाइक Cl लगा हुआ है, Cu2Cl2, Br लगा हुआ है, Cu2Br2, राइट, या CuCn, यहाँ पे भी कॉपर आपका +1 में, तो अगर ये होंगे तो इस रिएक्शन का नाम एक स्पेशल नेम हो जाएगा, और इस स्पेशल नेम जो है वो सेंट मेयर रिएक्शन बोलेंगे,
इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, सैंडमेयर। तो इसलिए रिएक्शन का नेम भी याद रखना इजी है। अगर कॉपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है अपने, तो उसकी रिएक्शन अगर डाइजोनियम से कराएंगे तो नाम हो जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन। और वहीं पे अगर कॉपर अपने पाउडर फॉर्म में लिया है, डैट मीन्स कॉपर यहाँ पे कैसा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका नाम हो जाएगा गैटरमैन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा, गैटरमैन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, कॉपर प्लस वन में तो सैंडमेयर कॉपर ही होगा लेकिन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो गैटरमैन रिएक्शन। राइट, यहाँ पे आपका आयोडाइड आ गया, आयोडीन आ जाएंगे। राइट, N2 ये वाला जो था, N2 जो प्लस था, X माइनस की जगह आपका आ जाएगा BF4 माइनस वाला। राइट, तो ये पहले बनेंगे, तो ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, इसको जब आप हीट करेंगे, ध्यान दे ये स्टेबल है, डाइजोनियम स्टेबल नहीं है, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि ये रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल है। और इसको जब आप हीट करोगे तब आपको मिलेगा pH है फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो फास्फोरस है आपका H3PO2, राइट, तो ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसमें pH बॉन्ड है, जो हमने ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में अच्छे से बता रखा है, वहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो इससे आपको H मिलेगा, इसलिए इस प्लस की जगह आप क्या कर देंगे, H माइनस ऐड कर देंगे, तो बेंजीन, कभी भी बेंजीन बनाना हो तो ये एक बेस्ट मेथड है। और फास्फोरस का क्या होगा, तो ये H3PO3 फास्फोरस एसिड में चला जाएगा। राइट, और सिमिलरली अगर ये अल्कोहल लोगे तो भी इससे H मिल जाएंगे, और खुद अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएंगे, अल्डिहाइड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाय प्रोडक्ट में ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपने फास्फोरस वाला कंपाउंड लिया, राइट, तो फास्फोरस एसिड मिलेगा, और अल्कोहल लिया तो अल्डिहाइड में वो खुद कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको बेंजीन मिल जाएगा। और यहाँ से वो अच्छा है, तो ये आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ध्यान से देखो क्या हुआ पूरे चीज़ में, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि सर ने जितना ले रखा उतना ही है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। ओनली थिंग इज कि आपको प्लस आइडेंटिफाई हो गया, माइनस को आइडेंटिफाई कर करके लगा देना है। इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, संकट मोचन, कि बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लाना हो, ध्यान दो मेरे पॉइंट पे, कि बेंजीन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको अटैच करना हो, तो बेस्ट मेथड यू कैन से कि आपके पास डाइजोनियम वाला बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि डाइजोनियम बना करके जो ग्रुप लाना आप ला सकते हो। जैसे किसी को अगर इसमें क्यूरियोसिटी हो रहा हो कि सर एसिड ग्रुप कहाँ से लाएंगे, अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ से लाएंगे, तो भाई ये बना लिया ना साइनाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड ग्रुप आ जाएगा। राइट, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, पार्शियल रिडक्शन करो, तो अल्डिहाइड आ जाएंगे। तो बेंजीन रिंग पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लाना हो, सबसे बेस्ट मेथड है आपका संकट मोचन वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एलिफैटिक हो तो क्या करेंगे। अभी तक हमने जो बताया था एरोमेटिक बताया था, राइट, आपको तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरोमेटिक में ही रिएक्शन होगी, एलिफैटिक डेट इज ओपन चेन में भी रिएक्शन हो जाएंगी। राइट, और इसलिए मैंने इसका नाम संकट मोचन रखा है, कि बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लाना है वो तो ला ही सकते हो, और आप एलिफैटिक में भी काम करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया, बट ओनली कंडीशन इज कि 1 डिग्री amine होना चाहिए। यहाँ से ध्यान से देखो, नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है। ध्यान दे नाइट्रोजन कितना कार्बन से, और ये क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो इसलिए ये सब 1 डिग्री amines है। इसकी रिएक्शन जैसे NaNO2HCl से कराए, तो पहला आपका काम क्या होगा, जस्ट बता दे रहा हूँ आपको, सब कुछ वैसे ही रहने देना है। राइट, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, N2+ और आपका X माइनस, मतलब Cl- अगर आप चाहो तो Cl-, डाइजोनियम पहले कैसे बना देने इसकी वजह से। राइट, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ध्यान से देखो, जब आप CuCN से रिएक्ट कराएंगे तो पहले तो ये क्या होगा, N2 के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो पहले तो आप क्या करेंगे, कार्बोकटायन बना लेंगे। राइट, ये प्लस आ चुका है। अब यू नो कार्बोकटायन शिफ्ट भी होते हैं, रीअरेंज भी होते हैं, तो आपको रीअरेंज करना है, तो फिर ये प्लस आपका यहाँ चला जाएगा। राइट, तो नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद इसका माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा CN। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि
इससे इजीली कार्बोकैटायन भी बन सकते हैं, और कार्बोकैटायन अगर बन गए तो फिर वो रीअरेंज होकर के फिर उसके बाद माइनस को आपको अटैच करना है, इसलिए मैंने ऐसा एक एग्जांपल लिया। सिमिलरली अगर इस केस में देखें तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है कि आपका वही चीज़ आपको क्या करना है, एन टू प्लस एक्स माइनस बना देना है, राइट। ये आपका बन गया डाइजोनियम। अब उसके बाद जो भी, इसलिए मैंने इन जनरली, अब जो भी ए प्लस और बी माइनस, राइट, जो भी आप रिएजेंट लेंगे तो उसका कुछ प्लस होगा और कुछ माइनस होगा, राइट, उसमें कुछ प्लस पार्ट होंगे कुछ माइनस पार्ट। तो आपको मालूम है कि ये जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस पार्ट, राइट। और जो रीअरेंज कर सकता है तो रीअरेंज कर करके यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, डायरेक्ट में बता दिया। उसके बाद इसका माइनस वाला पार्ट आप क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो आपको यहाँ पे बी लगा देना। इस इन जनरल या कोई भी रीजन ले लो, उसका माइनस आइडेंटिफाई करके आप लगा दो, जैसे H2O लोगोगे तो OH वहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ बच्चे इसको 3° अमीन मान लेते हैं, नहीं, अमाइंस के केस में कैसा है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से, ये अभी भी 1° है, तो पहले केस में तो आपको मालूम है कि क्या बनने वाला है, डाइजोनियम सॉल्ट बनने वाले, राइट। तो ये यहाँ पे आपका N2 प्लस और X माइनस बन जाएगा, और थोड़ा सा भी हीट किए तो आपको मालूम है ये अनस्टेबल है, थोड़ा सा भी हीट किए तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अभी ये कार्बोकैटायन यहीं पे स्टेबल है, तो जो भी आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे NO माइनस, वो आपका इस पे आ जाएगा, राइट, और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो बेंजीनिंग पे जो था वो था, वहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं था, ये ध्यान रखना, वहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं, जहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है वहीं पे वो ग्रुप आकर के अटैच हो रहा था। यहाँ पे आपको एलिफैटिक वाले में केयरफुल रहना है कि पहले तो डाइजोनियम बना लेना है, वो निकालने के बाद आपको कार्बोकैटायन ही बना लेना है, कार्बोकैटायन बनने के बाद आपको देखना है कि वो रीअरेंज होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो रीअरेंज करो फिर जा करके न्यूक्लियोफाइल को अटैच करो, नहीं होगा तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, जो आई होप ये तीनों एग्जांपल्स आपको क्लियर होंगे। तो अब हम जाते जाते ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान की बात में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है, एक तो वो रिएक्शन आपने देखा जिसमें नाइट्रोजन गैस बाहर चली गई थी, एक वो केस वाली रिएक्शन भी होती है जहाँ पे नाइट्रोजन रिटेन होते हैं, इसलिए हमने लिखा है रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। डाइजो ग्रुप अब बाहर नहीं जाएगा, डेट इज N2 गैस बाहर नहीं निकलेंगी, या उसी को कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने ये डाइजोनियम सॉल्ट लिया, अगर इसकी रिएक्शन मैं फिनॉल से करा रहा हूँ, किससे, फिनॉल से, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर फिनॉल से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम क्रिएट कर देना, और इसको देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट, Na2CO3 दे दिया तो भी वो बेसिक मीडियम ही हुआ। तो बेसिक मीडियम में फिनॉल की रिएक्शन अगर डाइजोनियम से कराओगे तो फिनॉल के पैरा पोजिशन पे जो हाइड्रोजन है ये वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ से निकल करके आपका N डबल बॉन्ड N आ जाता है, इसी को बोलते हैं एजो। जब भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो इसको एजो ग्रुप बोलते हैं। तो आपको क्या मिल गया, पैरा पोजीशन पे, ये राइट, इसके रेस्पेक्ट में पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज डाई, यू कैन से ऑरेंज डाई। तो याद कैसे रखेंगे, वेरी सिंपल, देखो फिनॉल में ओ आ रहा है, राइट, OH है, ओ आर आर, और ओ से ऑरेंज, अगर किसी को कलर याद रखने में दिक्कत हो। तो जब भी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप फिनॉल से कराओगे तो आपको पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिलेगा, डैट मीन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होंगे, एजो ग्रुप बन जाएगा, और इसका कलर ऑरेंज डाई होगा, राइट, पैरा वाले हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सेम उसी तरीके से अगर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनिलीन कराओगे और अगेन बेसिक मीडियम, तो अगेन एनिलीन के पैरा वाला जो हाइड्रोजन है वो आपका पार्टिसिपेट करेगा और N डबल बॉन्ड N डेट इज एजो ग्रुप आ जाएंगे, नाम इसका हो जाएगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन, और इसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। तो ये दोनों कलर भी ध्यान में रखना, पूछा जाता है। तो जब भी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉल या एनिलीन बेसिक मीडियम में कराओगे तो रिएक्शन थोड़ा हटके होगी, हटके मतलब जो एजो ग्रुप है वो आपका मेंटेन होगा, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, पैरा वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। नाउ सेकेंड पॉइंट डेट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने डाइजोनियम सॉल्ट लिया हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और उसकी रिएक्शन HBF4 से करा लो, ध्यान दो कभी भी बेंजीन पे अगर आपको फ्लोरीन लाना हो वाया डाइजोनियम, तो ऐसा नहीं कि आप HF ले लोगे तो हो जाएगा, आपको
HBF4 लेना पड़ेगा जिसमें H प्लस BF4 माइनस है। तो पहले केस में रिएक्शन तो कैसे होगी कि आपका ये HCl से चला जाएगा और ये माइनस वाले इससे मतलब कैटायन एनायन के एक्सचेंज हो जाएंगे तो ये मिलेगा। और इसके बारे में खास बात यह है कि ये वाटर इनसॉल्युबल है और स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होने की वजह से अभी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि अदर केस में क्या हो रहा था डायरेक्ट N2 गैस बाहर चली जाती थी और जो उसका निगेटिव वाला पार्ट होता था वो बेंजीन पे लग जाता था। लेकिन इस केस में आप ध्यान से देखो, फ्लोरीन के केस में आपको अभी यहाँ तक प्रोडक्ट मिलेंगे और ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। फर्दर अगर आपने हीट किया तब जाकर के चेंजेज आएगा। सिर्फ हीट कर दिया तो आपको फ्लोरो बेंजीन मिल जाएगा, तब आपको फ्लोरो बेंजीन मिल जाएगा और इसका जो एक एफ तो आ गया, दूसरा प्लस BF3 बाय प्रोडक्ट तो आप संभाल लोगे वो चीज़ें। बट अगर आपने सोडियम नाइट्राइड के प्रेजेंस में हीट किया और कॉपर आपने एज ए कैटलिस्ट ले रखा है, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर अगर हीट किया तो फिर आपका बेंजीन रिंग पे कौन आ जाएगा, NO2 नाइट्रो बेंजीन आपको मिल जाएगा। और एक बार नाइट्रो बेंजीन मिल गया तो फिर इसको रिड्यूस कर दोगे तो एनिलीन बन जाएगा और एंड सो ऑन। तो आपको पहले बता रखा हूँ कि बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लाना हो तो हम इजीली डाइजोनियम से ला सकते हैं, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, संकट मोचन। और पॉइंट नंबर 3 ज्ञान की बात में ये है कि अगर डाइजोनियम सॉल्ट लिया आपने और उसकी रिएक्शन H3PO2 राइट, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उससे अगर कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है पी डबल बॉन्ड ओ OH और इसके पास दो हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली पी से अटैच है, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से आपको H मिलेगा, इसलिए आपको बेंजीन रिंग मिल जाएंगी राइट। प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग मिल जाएंगी, N2 गैस बाहर चला जाएगा। खुद इसका क्या हुआ वो ध्यान से देखो, खुद ये प्लस वन में था, यहाँ से ये कहाँ पे आ गया, प्लस थ्री में, ये खुद ऑक्सीडाइज हो गए। तो ये ध्यान रखना है, एक तरह से ये क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन टाइप भी हो गया। सिमिलरली अगर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप अल्कोहल से कराएंगे तो इन दैट केस अगेन अल्कोहल का आपको H मिल जाएगा राइट, और N2 गैस बाहर चले जाएगी। खुद अल्कोहल का क्या हुआ, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, डैट मीन्स ये भी एक तरह से क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। तो ये पॉइंट सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। वैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से कराओगे 283 केल्विन देख सकते हो, जो कि रूम टेम्परेचर से भी कम है, क्योंकि यू नो कि डाइजोनियम अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर हीट कर दोगे, अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो फिनॉल मिल जाएगा आपको, N2 गैस बाहर चली जाएगी। हेलो एवरीवन, कसा काय, आज मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ उस ट्रिक से आप एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड की नेम रिएक्शन, उसके रिएक्टेंट, उसके रिएजेंट एंड उसके प्रोडक्ट, चारों चीज़ को एक साथ याद रख सकते हो। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट इज रूड्स रिएक्शन, तो उसके लिए निमोनिक्स है रोक्षाना वरत इधर MI एंड RR के लिए ना रखा है। इसका क्या मतलब है, रोक्साना में देखो RX आ रहा है तो एल्काइल हैलाइड हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, ना मतलब सोडियम लेना है और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर तो वो आपका उसमें कनेक्ट हो गया। रोक्साना इधर, इधर मतलब इथर, वरत मतलब रूट जो हो गया राइट, जो फास्टिंग रखते हैं, वरत इधर, MI मतलब मुंबई इंडियन राइट, मुंबई इंडियन इन द सेंस मिरर इमेज हमें लेना है, तो ध्यान से देखो हमने मिरर लगाया, मिरर इमेज बना और दोनों एक्स को निकाल दिया तो क्या बन गया, RR, तो उसके लिए ही मैंने लिया RR, RR से कनेक्ट किया, राजस्थान रॉयल सबको याद रहता है। के लिए ना, ना में क्या है, हेच आया मतलब हेलोजन, मतलब NaX बन जाएगा, NaX बना देना। तो देख लो इस ट्रिक से आप रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट और नेम सब आपको याद हो गया। नेक्स्ट फिटिंग रिएक्शन, तो इसके लिए निमोनिक्स है, हेलो बहन जी फिटिंग इधर देखो ना मिरर में राइट, वेरी सिंपल, कैसे देखो, हेलो मतलब हेलोजन, बहन जी मतलब बेंजीन, तो बेंजीन पे हेलोजन लगा देना है, फिटिंग नाम हो गया उसका, इधर मतलब ईथर लेना आपको, देखो ना, ना मतलब सोडियम लेना है, तो रिएजेंट हो गया। और प्रोडक्ट क्या, मिरर, मिरर में छुपा हुआ है, MI मिरर इमेज लेना है, तो वही चीज़ मिरर इमेज लेकर के हैलोजन को बाहर कर दो तो बाय फिनाइल मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट।
रर मतलब डबल आर आ रहा है, मतलब वही आर आर, जहाँ आर आपका एक एराइल ग्रुप है। नेक्स्ट रोड्स फिटिंग, हेलो बहन जी, रुखसाना इधर वरत मिरर में फिट देखने के लिए ना रखा है। इस राइमिंग वर्ड से याद रख सकते हैं कैसे, हेलो बहन जी से आपको क्या करना है, बेंजीन पे हेलोजन ले लेना, हेलो बेंजीन बन गया। रुखसाना मतलब आर एक्स लेना आपको, राइट, तो आर एक्स, और ना मतलब सोडियम, इधर मतलब ईथर, तो रुखसाना इधर, वरत मतलब ये आपने ओपन चेन वाला एल्काइल हैलाइड लिया है, तो रूड्स रिएक्शन का पार्ट हो गया। मिरर मतलब एक मिरर लगा करके दोनों एक्स को निकाल देना है, तो आपका बन जाएगा आर आर, राइट, डेट मीन्स आर डैश एक्स और एक्स आर, उसका मिरर लगा करके एक्स आपको निकाल देना है, तो आर आर डैश बन जाएगा, इसलिए डबल आर आ रहा है। मिरर में फिट मतलब फिटिंग से फिट देखने के लिए ना, ना मतलब सोडियम के साथ हैलोजन लग जाएगा, एन एक्स आपका बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस राइमिंग वर्ड से याद रख सकते हैं, हेलो बहन जी, रुखसाना इधर व्रत मिरर में फिट देखने के लिए ना रखा है, तो ये रूड्स फिटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो उसको कैसे याद रखेंगे, राइमिंग वर्ड ब्रोकल फिंकलस्टीन की रुखसाना आई एसी में अकेली, तो इसका क्या मतलब है, ब्रोकल का मतलब यहाँ पे जो हेलोजन होगा वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, ब्रो से ब्रोमीन, कल मतलब क्लोरीन, फिंकलस्टीन नाम हो गया कि रुखसाना मतलब आर एक्स लेना, आई एन ए आई लेना सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तभी ये रिएक्शन हो पाती है, तो वही है एसीटोन का एसी, एसी में अकेली मतलब आपको क्या करना है, एल्केन में आई जोड़ देना है, अकेली एल्केन आई, राइट, तो अकेली। इसमें हो क्या रहा है वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक स्मॉलर हेलोजन रिप्लेस हो रहा है बिग हेलोजन से, छोटे लोग बड़े लोग से रिप्लेस हो रहे हैं। नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन, तो उसको कैसे याद रखेंगे, ब्रोकल स्वार्ट्स आरएक्स 100 बाइक से केजीएफ, एजीएफ से केजीएफ मूवी देखा रफी सर के साथ, तो कहने क्या मतलब हुआ, ब्रोकल मतलब कि आरएक्स में जो हेलोजन लेना आपको क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है, स्वार्ट्स मतलब नेम रिएक्शन हो गया, आरएक्स मतलब आरएक्स ही हो गया, 100 बाइक से एजीएफ आपको लेना है, जिससे मैंने बना लिया केजीएफ, राइट, मूवी देखा रफी, आरएफ बनेगा तो उससे बना लिया रफी सर के साथ, तो आपको बाय प्रोडक्ट में एजीएक्स। नाउ द क्वेश्चन इज, किसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक बिग हेलोजन आपका रिप्लेस हो रहा है स्मॉल हेलोजन से, तो इसलिए इसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, यहाँ पे AgF की जगह और भी ले सकते हैं, डी ब्लॉक के कंपाउंड होने चाहिए, COF2, HgF2 या फिर 15 ग्रुप वाले SbF3, ये सब भी ले सकते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, डायरेक्ट HF लेने से ये रिएक्शन नहीं होगी, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उस केस में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए भी सिंपल ट्रिक है, DNA वर्ड से याद रखना है। DNA का मतलब क्या है, अगर डी ब्लॉक वाला एलिमेंट होगा तो नाइट्रोजन अटैच होगा, फॉर एग्जाम्पल RX AgCN से करा रहे हो, डी ब्लॉक है तो R के साथ कौन अटैच होगा, N, तो NC आइसोसाइनाइड बनाना है, वहीं पे NaCN या KCN होगा तो R के साथ कार्बन के साथ कार्बन, तो साइनाइड या नाइट्राल बनाना है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, मैंने क्लियर कर दिया। KNO2 राइट, तो डी ब्लॉक का नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं अटैच होगा, तो ऑक्सीजन होगा तो क्या बन जाएगा, RONO राइट, ऑक्सीजन का डायरेक्ट कनेक्शन होगा कार्बन से, यहाँ पे डी ब्लॉक का आ गया सिल्वर, तो नाइट्रोजन का कनेक्शन होगा तो RNO2, तो ये है रफी सर का ट्रिक। नेक्स्ट सैंडमियर रिएक्शन, तो बेंजीन ने कल सैंडी को हेलो बेंजी क्यों कहा, बेंजीन मतलब बेंजीन लेना है, ने मतलब नाइट्रोजन, कल मतलब क्लोरीन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, ये आपका रिएक्टेंट, सैंडी मतलब सैंडमियर रिएक्शन को बोल रहा हूँ मैं, हेलो बेंजीन मतलब हेलोजन बेंजीन पर अटैच कर देना है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। क्यों कहा मतलब कॉपर लेना है एज ए कैटलिस्ट, और कौन सा वाला, कॉपर के साथ हेलोजन होना चाहिए Cu2X2 वाला, डैट मीन्स कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तो इस राइमिंग वर्ड से आप सैंडमियर रिएक्शन को याद रख सकते हो। और नेक्स्ट फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो इसमें एल्काइलेशन भी होता है और एसाइलेशन भी होता है, तो कैसे याद रखेंगे, कल मतलब क्लोरीन, BMC मतलब बी से बेंजीन, तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया, MC मतलब मिथाइल क्लोराइड लेना आपको, वाले मतलब एल्युमिनियम के कंपाउंड AlCl3, वाले में Al आ रहा है,
एसी मतलब आप CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, सेम वही रिएक्टेंट रहेगा। तो लाए पारो के लिए, पारो मतलब इसमें पैरा पोजीशन पे लगाना है, और इधर से पढ़ो तो ओआर मतलब ऑर्थो पोजीशन पे। तो ध्यान से देखो, बेंजीन पे क्लोरीन है, मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस ClCl3, तो मिथाइल आपका कहाँ पे लग गया, ऑर्थो पे एंड पैरा पे, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सिमिलरली बेंजीन क्लोराइड हो गया, एसिटाइल क्लोराइड लिए एनहाइड्रस ClCl3, तो ऑर्थो पे एंड पैरा पे आ जाएंगे, अगेन पैरा मेजर होगा। तो याद कैसे रखेंगे, कल BMC वाले एसी लाए पारो के लिए, और जरूरी नहीं कि क्लोरीन हो, ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हैलोजन होगा, या वो सारे ग्रुप जो प्लस M शो कर सकते हैं, जो एक्टिवेटिंग वाले होंगे, उन सब में आपको फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या असाइलेशन करा सकते हो। ऑर्थो एंड पैरा पे लाना, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ऑर्थो मेजर होंगे। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो अल्कोहल फिनॉल और ईथर में जो नेम रिएक्शन है उससे रिलेटेड है, और इस ट्रिक से आप नेम रिएक्शन को बहुत इजीली याद रख सकते हो। तो ध्यान से देखें, पहले हम बात करते हैं कोलबेज रिएक्शन के बारे में। तो देखो, कोलबेज इस नाम में ही आपका रिएक्टेंट छुपा हुआ है। कैसे, ध्यान से देखो कैसे कनेक्ट किया मैंने, क्या क्या आ रहा है कोलबेज में, बी आ रहा है, बी से क्या लेना आपको, बेंजीन, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ बहनजी, समझ गए ना बात, तो बेंजीन लेना है। उसके बाद ऑल लगा हुआ है, डेट मीन्स क्या लेना आपको, अल्कोहल वाला मतलब OH, राइट। और उसके बाद ध्यान से देखो बेस, कोलबेज को बेस पसंद है, समझ रहे हो ना, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आपको क्या लेना है, बेंजीन ले लिया, उस पर क्या लेना है, ऑल ले लिया OH, और उसके बाद क्या लेना, बेस ले लिया। तो देखो सारा रिएक्टेंट आपका कोलबेज के नाम के अंदर ही छिपा हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, तो आपको मालूम ही है ये आपका बेस हो गया और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, वाटर बाहर जाएगा और ये सॉल्ट बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसको भी याद रख सकते हैं, वैसे PHONA लिखते हैं राइट, फोन वर्ड से या फोना वर्ड से, जस्ट कनेक्ट करने के लिए आपके ऊपर है। तो बात समझ में आ गई कि हमारा ट्रिक का पॉइंट क्या, कोलवेज कोह मैंने लिखा, उसका क्या मतलब है, सी डबल बॉन्ड हो, इसको बोल रहे हैं को, दोनों तरफ से सी डबल बॉन्ड हो, और हेच क्यों लगाया, क्योंकि एसिडिक मीडियम लेना आपको। तो कोलबेज को ऑरेंज से क्या जोड़ा मैंने, ऑर्थो, डेट मीन्स ये वाला जो पोजीशन है ये ऑर्थो कहलाता है राइट। ऑरेंज कार मतलब कार्बोक्सिलिक का कार्बन ले लिया, कार चाहिए, तो देखो एक लाइन है, कोलबेज को ऑरेंज कार चाहिए, आपका नेम रिएक्शन याद हो गया विद प्रोडक्ट, कोलबेज को ऑरेंज ऑर्थो पे क्या कर देना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देना है, जिसका आयुपैक नेम होगा 2-hydroxy बेंजोइक एसिड, और जिसको प्यार से हम बोलेंगे सैलिसाइलिक एसिड। तो हमारा कोलबेज रिएक्शन का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, ध्यान से देखो, कोलबेज को ऑरेंज कार चाहिए, कोलबेज में ही पूरा रिएक्टेंट छुपा हुआ है, को जो आगे वाला रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ऑरेंज मतलब ऑर्थो पे, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना, आपका प्रोडक्ट हो गया तैयार। नेक्स्ट नेम रिएक्शन, रिमर टाइमन रिएक्शन। तो इसके ट्रिक में जाने से पहले मैं आपको कहानी बता दूं, क्यों, क्योंकि कहानी में सच्चाई है कि रिमर नाम का बंदा जो है वो टाई बनाने वाले के पास, टाई जो पहनते हैं, टाई बनाने वाले के पास गया और उसको बोला कि हमें टाई बना के दो। तो टाई वाले बंदे ने उसको बोला कि भाई अपना तो कुछ बताओ, तो जो रिमर था वो सच्चा बंदा था, सच बोलता था, उसने क्लियरली बोल दिया कि ही इज बेसिकली फ्रॉम चोर कैटेगरी, जस्ट समझने के लिए। तो ट्रिक का पॉइंट क्या है, रिमर टाइमन से हमने क्या बना लिया कि रिमर नाम के बंदे ने टाइमैन से बोला। अब इस बोला में बहुत सारी चीजें, बी से हमने क्या ले लिया, फिर से बहन जी, और ऑल वर्ड है तो अल्कोहल, तो अगेन हमारा रिएक्टेंट क्या हो गया, एक बेंजीन पे OH लगा दो, डेट इज फिनॉल एक्चुअली राइट। तो बोला ही इज बेसिकली फ्रॉम, तो बेसिक बेस लेना आपको, तो ये ले लिया, कल्ली फ्रॉम मतलब क्लोरोफॉर्म, कल्ली फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेना आपको। तो समझ में आ गया रिएक्टेंट कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुआ, कि रिमर नाम के बंदे ने टाई मैन से बोला, टाई बनाने वाले से बोला,
बोला में ही आपका एक रिएक्टेंट है एंड बेसिकली फ्रॉम में दूसरा रिएजेंट है NOH बेस लेना है और क्लोरोफॉर्म लेना है। क्या बोला? चोर कैटेगरी, चोर में भी नाम छुपा हुआ है। कैसे? देखो CHO तो मतलब अल्डिहाइड आपको लगाना और कहाँ पे? OR मतलब ऑर्थो पोजिशन पे। तो अगेन भाई फिनॉल लिया, बेस लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, तो आपको क्या कर देना? ऑर्थो पे CHO अल्डिहाइड ले आना है जिसका नाम हो जाएगा 2-hydroxybenzaldehyde IUPAC नेमिंग, और प्यार से इसको बुलाएंगे हम salicylaldehyde। नेक्स्ट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ पे ट्रिक का जो पॉइंट है उसमें ऐसा है कि विलियमसन जो है एक रोने वाला बच्चा है तो उसको बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सुनो, विलियमसन RX100 जो आने वाली बाइक है, RX100 बाइक के लिए रोना ना इधर। तो पॉइंट क्या ट्रिक का? विलियमसन RX100 बाइक के लिए रोना ना इधर। और कैसे कनेक्ट किया? ध्यान से देखो, RX मतलब आपको एल्काइल हैलाइड ले आना है और 100 में पहले क्या 1 तो 1 डिग्री लेना आपको, RX एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लेना है। रोना मतलब सोडियम एल्कोऑक्साइड बोलते हैं, तो RO-Na+ राइट, अल्कोहल में बेस डाल देंगे तो ये बन जाएगा एसिड बेस रिएक्शन से। तो RX100 बाइक के लिए रोना ना क्यों लिखा? ना ना मतलब कि ये सोडियम और ये हेलोजन का H लिया हमने, तो वैसे ना NaX बन जाएगा, और इधर इधर का मतलब ईथर, आपको क्या बन जाएगा? RO-Na+ ईथर बन जाएगा, ईथर विल बी द प्रोडक्ट। तो ट्रिक का पॉइंट बहुत ईजी है, विलियमसन RX100 बाइक के लिए रोना ना इधर। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो ये है कि BIP या VIP जो बड़े लोग होते हैं राइट, BIP के लोगो क्यों हाइपर हो? क्वेश्चन मार्क है कि आप बोल रहे हो BIP के लोगों से, BIP के लोगो क्यों हाइपर हो? बोलो AC में, डैट मीन्स वो लोग AC में बैठे हुए हैं फिर भी हाइपर हो रहे हैं राइट। तो उसी से कनेक्ट किया कि BIP के लोगो क्यों हाइपर हो, बोलो AC में, मतलब क्या है? BIP मतलब B से हो गया आपका बेंजीन या V से हो गया बहनजी, समझ गए? बट IP मतलब आइसोप्रोपाइल, तो बेंजीन पे क्या लेना आपको? बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ले लेना है। तो यहाँ से कनेक्ट किया BIP या VIP राइट, BIP के लोगों में 2 ओ आ रहा है राइट, तो ऑक्सीजन लेना है, एयर ऑक्सीडेशन होता है इसका। तो BIP के लोगो क्यों, मतलब यहाँ पे क्यूमीन है और हाइपर मतलब हाइड्रोपरऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, पहले मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो BIP के लोगो क्यों हाइपर हो, मतलब आपको H+H2O वाटर लेना है राइट। हो बोलो, बोलो में बी फॉर अगेन बहनजी बेंजीन और ओल तो OH अल्कोहल का ऑल वर्ड, तो फिनॉल आपको लेना है। और बोलो AC मतलब एसीटोन और आपको एसीटोन मिल जाएगा। डेट मीन्स क्या करना है आपको, ये जो दो मिथाइल ग्रुप है ये आपका CH3 सी डबल बॉन्ड के साथ निकल जाएगा और ये H और O फिनॉल के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल है, BIP के लोगो क्यों हाइपर हो, बोलो AC में। तो सबको कनेक्ट कर दिया हमने, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट डोज प्रोसेस राइट, तो इसके लिए क्या ट्रिक है? डोज कल भी, टाइम पास बस फोन पर ही किया। तो देखो कैसे कनेक्ट किया, डोज नाम का बंदा, कल मतलब क्लोरीन राइट, Cl से बना लिया कल, भी तो B से ले लिया बहनजी बेंजीन राइट, कल भी, टाइम पास मतलब T से टेम्परेचर, P से प्रेशर, टाइम पास, बस मतलब बेस से ले लिया बस, फोन मतलब PHO-Na+ तो उससे बना लिया फोन, पर ही मतलब H+ किया। तो देखो कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं कि कल भी मतलब बेंजीन, तो बेंजीन पे Cl लगा दिया क्लोरो बेंजीन, और उसका क्या लेना, बेस बस वाला जो पार्ट है, टाइम पास मतलब हाई टेम्परेचर प्रेशर लेना आपको राइट, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर, फोन तो ध्यान से देखो PHO, इसको PH बोलते हैं O-N, फोन पर ही क्या मतलब H+ देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। तो यू नो आज के ज़माने में लोग सबसे ज़्यादा टाइम पास तो फ़ोन पे करते हैं राइट, बट आप मत करना क्योंकि आपको निकालना है नीट या JEE। नेक्स्ट फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फिर असाइलेशन राइट, तो इसके लिए राइमिंग वर्ड क्या है, ट्रिक का पॉइंट क्या है? इधर BMC वाले एक और पुराना AC लगाए, पॉइंट क्या ट्रिक का?
कि इधर बीएमसी वाले एक और पुराना एसी लगाए। इस राइमिंग वर्ड से याद रख सकते हैं कैसे, देखो इधर मतलब इधर लेना है, बी मतलब बेंजीन और एमसी मतलब मिथाइल क्लोराइड, वाले में एल आला एल से एलसीएल थ्री, एक एनहाइड्रस में एनवर्ड उससे एक, या फिर एल्काइल से एक, और मतलब ऑर्थो पुराना मतलब पैरा, एसी मतलब एसीटाइल ग्रुप लगाना है आपको कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ध्यान से देखो मुझे क्या लेना है, बेंजीन तो ले लिया, इधर ईथर तो ईथर कर दिया, क्या करना है मिथाइल क्लोराइड तो बीएमसी मिथाइल क्लोराइड ले लिया, और वाले एएलसीएल थ्री ले लिया, एनहाइड्रस ले लिया, राइट। तो इसको बोलेंगे अल्काइलेशन। अगर एसीटाइल ग्रुप लेता तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्डों को एसीटाइल ग्रुप बोलते हैं, तो ये भी ले सकते हैं, तो इसको बोलेंगे असाइलेशन। तो ये लिया, तो आपको क्या करना है ऑर्थो पैरा पे और पुराना, तो ऑर्थो पोजीशन पे आप ऐड कर सकते हो या फिर पैरा पोजीशन पे आप ऐड कर सकते हो। तो और पुराना एसी मतलब यहाँ पे वही एसीटाइल ग्रुप, ये वाले एसीटाइल ग्रुप आपको लगा देना है, तो असाइलेशन हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो एल्काइलेशन। कौन माइनर होगा कौन मेजर होगा तो ये भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, यू नो पुरानी चीज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो पुराना जो होगा पैरा वाला वो मेजर होगा, क्योंकि हर किसी के पास इतना नहीं होता कि सब नया ही खरीदे, इसीलिए ऑर्थो माइनर होगा। ऑर्थो तभी मेजर होगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी नेम रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट उसके रिएजेंट एंड उसके प्रोडक्ट तीनों को बहुत इजीली याद कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, ट्रिक नंबर वन रोजनमंड रिडक्शन निमोनिक्स। रोजनमंड की बहन जी को कल ही पैदल या बस से बंगाल जाना होगा, दैट मीन्स बहन जी का मतलब बेंजीन लेना है, को मतलब सी डबल बॉन्ड हो, कल मतलब सी एल, तो ये आपका एक रिएक्टेंट हो गया। रिएजेंट कैसे, ही मतलब हाइड्रोजन, पैदल मतलब पी डी, बस मतलब बैरियम सल्फेट, तो ये रिएजेंट हो गया। प्रोडक्ट क्या है, बेंगाल मतलब बेंजल डिहाइड आपको बनाना है, डैट मीन्स क्लोरीन हटा कर करके हाइड्रोजन आपको लगा देना है। और इसमें जो पॉइंट सब है, बहन जी को मैंने बेंजीन, को मतलब सी डबल बॉन्ड हो, कल मतलब सी एल, ही मतलब हाइड्रोजन, पैदल का पी डी लिया, बस मतलब बैरियम सल्फेट, बेंगाल बेंजल से जस्ट कनेक्ट किया, तो इससे आपका ये रोजनमंड रिडक्शन याद हो गया। नेक्स्ट स्टीफन रिडक्शन, तो उसके लिए निमोनिक्स है, रचना सुनो कल एसिड में वाटर को ऐड कर देना। रचना में एक एक लेटर छोड़ करके आर सी एन लिया हमने, राइट, एक एक लेटर को ड्रॉप कर दिया, इसलिए उसको स्मॉल लेटर से लिखा है, तो आर सी एन आपको लेना है। और सुनो कल मतलब स्टेनस क्लोराइड, एसिड मतलब HCl, तो आपको पहले आयमीन बना देना है, राइट, पार्शियल रिडक्शन हुआ ये। फिर उसके बाद वाटर, वाटर लोगे तो ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको H, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उसको OH, दो बॉन्ड ब्रेक किया तो इस कारण पे दो OH आएगा, एक कारण पे दो OH अनस्टेबल होता है, वाटर को आपको बाहर कर देना है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। तो कोह मतलब वही है, सी एच ओ को से बना लिया कोह, एड मतलब एल्डिहाइड आपको बना देना प्रोडक्ट, तो ये हो गया आपका सिंपल स्टीफन रिडक्शन। इटार्ड रिएक्शन निमोनिक्स, टॉल मैन इटार्ड ने क्रो को कल वाटर पीते बंगाल में देखा। टॉल मैन मतलब टॉलिन, बेंजीन पे सी एच थ्री, इटार्ड नेम हो गया, क्रो को कल मतलब क्रोमाइल क्लोराइड सी आर ओ टू सी एल टू से क्रो को कल वाटर, मतलब उसके बाद ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें वाटर डालेंगे, तो बेंगाल मतलब बेंजल डिहाइड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखा यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, राइट, तो आपको मालूम है लेस को मोर को लेस, तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको एच मिला, इसको OH, एक कारण पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर बाहर कर दिया तो आपका प्रोडक्ट आ गया बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट गेटरमैन कोच रिएक्शन, उसके लिए निमोनिक्स है, बहन जी गेटरमैन कोच है बंगाल का, तो बहन जी मतलब बेंजीन लेना है, गेटरमैन नेम रिएक्शन हो गया, कोच में तीन वर्ड है ध्यान से देखो, CO लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड, AC मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड, A से एल्युमिनियम, C से क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो उसका ही H लिया हुआ है, राइट, तो एसिडिक मीडियम में लेना है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बंगाल मतलब बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट।
नेक्स्ट फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके लिए निमोनिक्स है बहन जी और रुको कल फर्स्ट क्लास एसी टिकट से जाना। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, बहन जी मतलब बेंजीन लेना है, और मतलब एराइल, रुको मतलब एल्काइल सी डबल बॉन्डो, कल मतलब क्लोरीन, डैट मीन्स आपको असाइल क्लोराइड लेना है, और फर्स्ट क्लास मतलब कि फ्राइडल क्राफ्ट हो गया, एसी मतलब एल्काइल क्लोराइड का प्रेजेंस होना चाहिए एज ए कैटलिस्ट। तो क्या टिकट की लास्ट में क्या रहा है, किट मतलब कीटोन आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इस टाइप के रिएक्शन का कंसेप्ट आपको बता रखा हूँ, जरूरी नहीं है कि बेंजीन हो, बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हो, अगर वो प्लस एम होगा तो ऑर्थो पैरा पे आएंगे, और अगर माइनस एम होगा तो मेटा पे आपको इस ग्रुप को ले आना है। क्या करना है, सीएल को बाहर कर देना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, इस कारण प्लस, इसको जोड़ देना आपको ऑर्थो या पैरा वाले हाइड्रोजन को हटा करके, अगर ग्रुप होंगे तो, ग्रुप नहीं है तो डायरेक्ट बेंजीन पे अटैच कर दो। नेक्स्ट क्लीमेंसन रिडक्शन, उसके लिए निमोनिक्स है जहाँ होगी कल लो अल्डिहाइड कीटोन को कहेगी हेलो सिंगल, जहाँ होगी मतलब जेडन एच जी, कल लो मतलब क्लोरीन सी एल एच सी एल, अल्डिहाइड कीटोन आपका रिएक्टेंट होगा, को मतलब उसमें सी डबल बॉन्डो फंक्शनल ग्रुप होगा राइट, हेलो सिंगल मतलब एल्केन बना देना है, क्यों, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, या सिंगल मतलब अकेला, अकेला मतलब एल्केन, उससे हमने कनेक्ट किया है। वैसे ही नेक्स्ट वुल्फ किशनर रिडक्शन, तो उसके लिए निमोनिक्स है नहीं नहीं, वुल्फ ने कृष्णा को बोला अल्डिहाइड कीटोन होगा अकेला, नहीं नहीं मतलब NH2, वुल्फ ने कृष्णा, नेम हो गया रिएक्शन का, को मतलब सी डबल बॉन्ड हो, अगेन अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होंगे, बोला मतलब बेसिक मीडियम लेना है, अल्डिहाइड कीटोन रिएक्टेंट हो गया, होगा अकेला मतलब एल्केन बना देना है। तो ये दोनों म्यूनिक से आप दोनों नेम रिएक्शन को याद रख सकते हो। नेक्स्ट कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, उसके लिए निमोनिक्स है रुको ना कोलवेज इलेक्ट्रिसिटी से अकेला CO2 बनाता है राइट, इससे वंडरफुल थिंग, कैसे, रुको ना मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एन ए प्लस, डैट मीन सोडियम एसीटेट लेना है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो आपको एनोड पे आर आर अकेला मतलब एल्केन और CO2 ये दोनों मिल जाएंगे, बनाता है मतलब कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा राइट। तो वेरी सिंपल, आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट हेल वोलहार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, तो उसके लिए निमोनिक्स है हेलो रेड कार HVZ अल्फा कंपनी की कार है, डैट मीन्स हेलो मतलब आपको क्या लेना है हेलोजन, रेड मतलब रेड फॉस्फोरस, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड राइट, HVZ रिएक्शन का नाम हो गया, अल्फा मतलब अल्फा पोजिशन पे, कार्बोक्सिलिक के बगल में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन, अल्फा पोजिशन पे हेलोजन लेना, अल्फा कंपनी की कार है मतलब प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन अल्फा पे हेलोजन आ जाएगा। तो इस निमोनिक्स आप याद रख सकते हैं। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा।